Hey guys, how are you? So we meet again. और आज है 23 मार्च। एक ना अंग्रेजी का शब्द होता है फोपा, FAUXPAS। दो अलग अलग वर्ड है, उनको मिलके एक वर्ड बनता है फोपा। और कल मेरे साथ हुआ था फोपा। जब मैंने कल की वीडियो देखी तो मुझे पता चला कि क्या फोपा हुआ है। आप में से बहुतों ने देखा भी होगा। मैं सो फोपा इज़ जब आप कोई स्टूपिडिटी कर जाते हो। तो कल वाली वीडियो में एंड में एक स्टूपिडिटी थी। हाँ, वो मेरा आज का करंट अफेयर्स का टॉपिक था, जो कि मैं रेडी कर रहा था सब कुछ, बिकॉज आई वॉज रिकॉर्डिंग येस्टरडेज़ वीडियो ऑलमोस्ट एट मिडनाइट। और उसके साथ मैं 23rd के भी वीडियोज़, 23rd के भी टॉपिक्स रिसर्च कर रहा था कि कौन सा आज एकदम अर्ली मॉर्निंग, यू नो, मिडनाइट के अराउंड लेटेस्ट हॉट टॉपिक है। तो येस, वो फोपा हुआ था, आपने देखा होगा। एंड येस, इफ़ यू सीन इट येस्टरडे, देन आज हम वही देखने वाले हैं सबसे पहले। और वो है अबाउट इंडियाज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल पुश। आई एम श्योर आप में से काफ़ियों ने नोटिस किया होगा कल। नहीं किया तो प्लीज़, थैंक गॉड। कूल। सो द फर्स्ट आर्टिकल फॉर टुडे, एंड दैट फर्स्ट आर्टिकल इज़ दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ पुटिंग इन अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव इम्पीटस ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया $14 बिलियन का इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट कर रही है इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, जिसको लाने के लिए गवर्नमेंट अपने एंड से $8 बिलियन का इंसेंटिव देने को तैयार है टू कार मेकर्स एंड सप्लायर्स ओवर द सेम पीरियड ऑफ टाइम। बिकॉज गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेशन सिर्फ इतना नहीं है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में आएंगे और गाड़ियाँ बनाएंगे, बट गवर्नमेंट इज सीइंग अ ह्यूज एक्सपोर्ट मार्केट, ह्यूज पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो गवर्नमेंट के प्लान्स काफ़ी बड़े हैं व्हेन इट कम्स टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और अगले 5 साल में, पता नहीं अगले 5 साल में सरकार क्या क्या है बदल दे। 2025 तक, 25-26 तक शायद इलेक्ट्रिक व्हीकल हमें दिखने लगे। होपफुली इफ़ दैट हैपन्स, इट विल बी रियली गुड फॉर आवर एनवायरनमेंट। बट दिस इज़ समथिंग विच आई रियली वॉन्टेड टू शेयर विद यू एज अ मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव, जो कि इंडिया गवर्नमेंट लाने वाली है। ठीक है, तो दिस इज़ द फर्स्ट वन। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड वन. Second one is from the world of sports. So in this case, पहले तो मैं आपको याद दिला दूँ कि प्लीज़ अगर आपने स्पोर्ट्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो मेजर स्पोर्ट्स वाली वीडियो ज़रूर देखना। आई हैव एक्सप्लेन्ड व्हाट इज़ फार्मूला वन, द स्पोर्ट्स ऑफ फार्मूला वन, फेमस फार्मूला वन ड्राइवर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनके रिकॉर्ड्स एंड ऑल दैट स्टफ इज़ देयर. डू वॉच दैट वीडियो प्लीज़. कूल. सो व्हाट इज़ द आर्टिकल? फार्मूला वन इन द स्पोर्ट, इट इज़ अ मोटर रेसिंग स्पोर्ट, और वर्ल्ड का जो फास्टेस्ट ट्रैक है वो ओपन हो गया। द ट्रैक इज़ इन जद्दा, सऊदी अरेबिया, और यहाँ पे रेस होगी 5 दिसंबर 2021 को। पहली रेस होगी इन जद्दा, सऊदी अरेबिया। और आप में से जो भी फार्मूला वन देखते हैं, यू विल एग्री विद मी इफ़ आई से दैट बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग स्पोर्ट है। देयर इज़ सो मच ऑफ एड्रेनलिन रश इन दिस स्पोर्ट। मैं तो जब भी होता है रेस, आई मीन फॉर 3 आवर्स आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई एम जस्ट ग्लूड इन फ्रंट ऑफ द टीवी वॉचिंग द फुल रेस राइट फ्रॉम स्टार्ट टिल द अवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, टिल द पोडियम फिनिश. सो द ट्रैक, आई एम रिमाइंडिंग यू, इज़ इन जेदा, सऊदी अरेबिया. एंड इसको फास्टेस्ट इसलिए कह रहे हैं बिकॉज द एवरेज स्पीड थ्रू आउट द रेस is going to remain the highest. The second fastest track in the world today, with this being the fastest, Albert Park in Melbourne, Australia becomes the second fastest Formula One track. And this track also has the longest straight line racing track of 6.17 kilometers. जिसमें the expectation is that speed, cars will hit a speed of 322 kilometers per hour. और टॉप स्पीड ऑफ 322 किलोमीटर पर आवर उस 6 किलोमीटर के स्ट्रेच पे. मतलब माइंड बॉगलिंग, इट्स क्रेजी. गाड़ी आएगी और आपके पलक झपकने से पहले चली भी जाएगी, इट विल वैनिश. सो हेंस दिस हैज़ बिकम द फास्टेस्ट रेस ट्रैक इन द वर्ल्ड. ऑलराइट, द थर्ड वन. थर्ड वन इज समथिंग कॉल्ड IBM. And IBM has a, every year IBM has a challenge or a, you can call it a competition, which is called Call for Code Global Challenge. They do this, invite applications or invite teams to participate, where the idea is to come out with technology solutions to challenge climate change. So ideas to help prevent climate change or to help improve the situation bad that has happened because of climate change with the help of technology. So this is what this competition is all about, and a specific thing about India over here is कि इंडिया के लास्ट 3 इयर्स से इंडिया से सबसे ज़्यादा टीम्स पार्टिसिपेट कर रही है. सो एक्नॉलेजिंग दिस IBM ने एक स्पेशल कैटेगरी इसमें बना दी है विच इज़ ओनली फॉर इंडिया, टीम्स पार्टिसिपेटिंग फॉर फ्रॉम इंडिया, वेयर द प्राइज मनी इज़ $5,000. सो इफ़ एनी वन ऑफ यू वॉन्ट टू पार्टिसिपेट और यू नो समबडी हु वॉन्ट्स टू पार्टिसिपेट, देन प्लीज़ डू गो एंड चेक आउट अबाउट IBM Call for Code Global Challenge and you can send in your nominations there, right? Let's move on. This is a massive news when it comes to divestment. अभी थोड़े टाइम पहले मैंने अपने टॉप 5 न्यूज़ आर्टिकल्स में कवर किया था कि गवर्नमेंट प्लान कर रही है मेजर डाइवेस्टमेंट एंड डाइवेस्टमेंट ऑफ इट्स एसेट्स एंड इट ऑल्सो वॉन्ट्स टू सेल आउट इट्स स्टेक इन लॉट ऑफ कंपनीज. तो उसमें कंटिन्यूइंग विद दैट प्लान एंड पॉलिसी जो गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट ने पहले अनाउंस किया कि इट विल एग्जिट टाटा कम्युनिकेशन एंड इवेंचुअली गवर्नमेंट एग्जिट कर भी गई. प्लान अनाउंस किए कितना टाइम हुआ था और उसको रिजल्ट उसका देखते देखते गवर्नमेंट ने अपने सारे स्टेक्स बेच दिए टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड में. और वो कैसे आए थे गवर्नमेंट के पास? बिकॉज गवर्नमेंट की एक एंटिटी होती थी, एक कंपनी होती थी गवर्नमेंट की, VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड, जो कि बहुत पहले गवर्नमेंट ने उसका अपना काफ़ी शेयर TCL को बेच दिया था, जो VSNL से वो टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड हो गई थी. उसके बाद गवर्नमेंट का थोड़ा सा लिमिटेड स्टेक था उस पर, 10% स्टेक, जो कि गवर्नमेंट ने सेल कर दिया, जिसके लिए गवर्नमेंट को काफ़ी, गवर्नमेंट मेड अ लॉट ऑफ मनी, अबाउट 5,500 odd crores. और बचा हुआ उसमें से और गवर्नमेंट ने स्टेक सेल किया है फॉर 3,300 crores. तो सब मिला के गवर्नमेंट ने अपना स्टेक सेल करके इन TCL गवर्नमेंट मेड 8,800 crores. And also with this, government finally, you know, sort of ended its association with this Tata company. तो अब government का कोई इसमें stake नहीं है in this particular company. And yes, this was a very critical news with respect to divestments that are happening this year. इससे पहले कुछ दिन पहले government ने banks को divest करने की भी बात की थी, to privatize a few banks, right? And the next one is again with the government initiative and how much money government is making. So Shri Nitin Gadkari, he's come out saying कि because of FASTag, 15th of February this year, 15th February से इंडिया में FASTag mandatory हो गया था हर टोल प्लाजा में. The process of FASTag is, गाड़ी में आपने देखा होगा एक sticker लगा होता है which is an RFID enabled sticker. RFID stands for Radio Frequency Identification. So आप टोल प्लाजा पे जाते हो, सेंसर लगा होता है, वो आपकी कार को सेंस करता है दैट येस दिस कार हैज़ अ वैलिड फास्टैग, इसमें बैलेंस है, और वो टोल गेट खुल जाता है, आप निकल जाते हो. दैट इज़ हाउ फास्टैग वर्क्स. एंड द ब्यूटी इज़ कि अगर आप फास्टैग से पे करते हो तो सिर्फ आप टोल क्रॉस ही नहीं करते, आपको उसमें कैशबैक वगैरह भी मिलते हैं. प्लस इट सपोर्ट्स डिजिटल पेमेंट, क्योंकि पैसे गवर्नमेंट के पास वाया डिजिटल मीडियम जा रहे हैं, आप कैश नहीं दे रहे, आप किसी और मीडियम से पे नहीं कर रहे. सो नो कैश इन्वॉल्व, गवर्नमेंट डायरेक्टली गेट्स द मनी वाया डिजिटल मीडिया. सो कलेक्शन बेटर हो गई है टोल प्लाजाज में. और एंड ऑन द कॉन्ट्री, अगर कोई कैश देता है तो उस गाड़ी को डबल पैसे देने पड़ते हैं. तो सपोजिटली टोल 50 रुपये है किसी टोल प्लाजा पे, द टोल फॉर अ कार इज़ 50 रुपीज़. इफ़ यू पे बाई कैश तो आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे. इट्स अ पेनल्टी फॉर पेइंग बाई कैश. सो बिकॉज ऑफ दिस, गवर्नमेंट्स टोटल कलेक्शन हैज़ बिकम 100 crore. एंड गाइज, जस्ट टू टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट फास्टैग राइट नाउ, दिस इज द बिजनेस अवेयरनेस पार्ट ऑफ एसोसिएटेड विद करंट अफेयर्स. सो फास्टैग is an initiative by NHAI, National Highway Authority of India. तो उसका जो टोल कलेक्शन सिस्टम है उसे कहते हैं फास्टैग. ऐसे ही दुनिया में अलग अलग टोल कलेक्शन, ऑटोमेटेड टोल कलेक्शन सिस्टम्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम, उनके अलग अलग नाम है. फॉर एग्जांपल, दुबई के सिस्टम को कहते हैं सालिक, सिंगापुर के सिस्टम को कहते हैं ERP, राइट? US का जो सिस्टम है उसे कहते हैं ETC. सो दीज आर द नेम्स गिवन टू दिस टोल कलेक्शन सिस्टम्स. तो इंडिया में जो टोल कलेक्शन सिस्टम है उसे कहते हैं फास्टैग. और ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि टोल कलेक्शन बढ़ गया, आवर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैज़ सेड कि वेरी सून इंडिया में टोल गेट्स ही हट जाएंगे और सारा टोल कलेक्शन अपने आप इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से होने लगेगा. सो that will be awesome, right? अगर आप इंडिया के बाहर जाओ, दुबई जाओ, सिंगापुर जाओ, तो वहाँ पे खाली टोल गेट्स लगे होते हैं, कोई टोल बूथ नहीं होता, कोई काउंटर नहीं होता, बस जुप जुप गाड़ियाँ वहाँ से तेज़ी से निकल जाती हैं और उतने में ही आपका टोल कट जाता है. सो दिस वुड बी सच एन ऑसम थिंग इफ़ इट इज़ ब्रॉट अबाउट इन इंडिया. कोई ट्रैफिक जाम ही नहीं लगेगा किसी टोल पे, बस आप गाड़ी चलाते जाओ, टोल कटता रहेगा आपका. ऑल राइट, तो चलिए, दीज वर गाइज दी आर्टिकल्स दैट आई वॉन्टेड टू पुट टुगेदर फॉर यू. नो फोपा टुडे, प्रॉपरली क्यूरेटेड वीडियो, बिकॉज कल मैं बहुत ज़्यादा थक गया था एंड एटलीस्ट टुडे आई हैड सम टाइम टू पुट इट टुगेदर. So guys, if you like it, please do press the like button and do leave your comments. आपके comments बहुत अच्छे हैं. I am really enjoying reading them every day and interacting with you guys on these comments. So thanks for that. And also please do share this video with your friends ताकि जैसे ही अगला update आए उनको भी मिल जाए. And you also subscribe to it, so ask them, share it with them and do ask them to subscribe. You also subscribe. I'll see you guys tomorrow. Until then, bye-bye from my side.